वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट केसेस भी एग्ज़ाम। तो मेरे को एक क्वेश्चन जो है बड़ी बारी पूछा जाता है, जूनियर असिस्टेंट क्लास फोर्थ और पटवारी की रिक्रूटमेंट कब आएगी, क्यों पटवारी की रिक्रूटमेंट कब आएगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है भाई। मैं आपको बता दूं, ये चैनल पिछले एक साल में ना 40 से ज़्यादा आरटीए लगा चुका है, और मैं अकेले में बता रहा हूँ। मैं फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू की ऑफिस जो है वो पिछले, अगर आपको याद होगा, दिसंबर में भी गया था मैंने वीडियो बनाई थी इस चैनल पे, और अगस्त में भी गया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़े सारे चैनल जो है वो आपको पटवारी के रिक्रूटमेंट बता रहे हैं, बट जहाँ तक मेरे को पता है अभी नायब तहसीलदार की आपकी पोस्टें जो है वो आएंगी। ठीक है, नायब तहसीलदार की जो आपकी पोस्टें जो है वो आएंगी, 38 के अराउंड पोस्टें हैं। अब कह रहे हैं कि पोस्टें बढ़ी है, बट अभी तक आप 38 लगा के चलो, जो ऑफिशियल डाटा है। मैं हमेशा ऑफिशियल डाटा पे ट्रस्ट रखता हूँ। ठीक है, तो अभी पटवारी की रिक्रूटमेंट जो कोई बोल रहा है 400 रिक्रूटमेंट आएगी, भाई 400 रिक्रूटमेंट मेरे को नहीं अभी दिख रही है रिक्रूटमेंट, क्योंकि जो मेरे को अभी दिसंबर मंथ में जब फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू के ऑफिस गया था, तो उन्होंने बोला था 429 पोस्ट अभी भी आ रहा है, वेकेंट है। ठीक है, वेकेंट और रेफर करने में डिफरेंस होता है भाई, ये चीज़ समझ नहीं पड़ी। वेकेंट हाँ है, क्या पता अगर ये पोस्टें रेफर हुई हैं वो अलग बात है, बट अभी तक मेरे पास, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये इसकी, ठीक है, पटवारी नायब तहसीलदार की है वो 38 पोस्ट है। मैं हमेशा ऑफिशियल डाटा आपको बताता हूँ, पटवारी की रिक्रूटमेंट अभी तक मेरे मेरे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब बाकी जो चैनल कहाँ से सोर्स दे रहे हैं भाई, वो उनको पता होगा। ठीक है, मैं जो काम जो चीज़ बोलता हूँ वो एक एविडेंस के बेस पर बोलता हूँ, जो मेरे पास जो मैं इतनी सारी आरटीए लगा के जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ उसके बेस पर बोलता हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो मैं अभी बार बार वीडियो बन भी बना चुका हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ, बट फिर भी बार बार कमेंट आते हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट की क्या कितनी रिक्रूटमेंट आएगी, वो कितना आएगा। तो मैं अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ यही चीज़ वजह से कि आपको बता दूँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी जून मंथ में जेकेएसएसबी के बाद 220 पोस्टें कन्फर्म हैं, 220 पोस्टें कन्फर्म थी, ये मैं आपको कन्फर्म डाटा बता रहा हूँ। अब हुआ क्या, इस एक महीने के बीच में गवर्नमेंट ने, जीएडी ने सारी डिपार्टमेंट की पोस्टें जेकेएसबी से वापस ली। ठीक है, 4,813 पोस्टें जो है वो जेकेएसबी के पास, जिसमें जूनियर जिसमें उसकी पोस्टें थी, कॉन्स्टेबल की पोस्टें थी। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी पोस्टें जो है डिपार्टमेंट को हुई, फिर दोबारा डिपार्टमेंट को रेफर हुई, जैसे भी जैसे जी के पी कॉन्स्टेबल की होम डिपार्टमेंट ने रेफर कर दी न्यू रिजर्वेशन रूल्स, तो आपकी वो एडवर्टाइज होगी। अब आने वाले दिनों में आपकी जी के पी कॉन्स्टेबल की, जी के पी एस आई की भी होंगी, जो जे ई सिविल की भी होंगी, जूनियर असिस्टेंट की भी होंगी। जूनियर असिस्टेंट के बाद अब जैसे अभी इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आपकी ये पोस्टें जो है वो रेफर हो जाएगी, और फिर आपकी ये रिक्रूटमेंट भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आती बारी क्लास फोर्थ की। तो मैं, अगर आपको याद होगा, तो मैं ही ऐसा बंदा था जिसने स्टार्टिंग में आपको बोला था शायद फरवरी मार्च में कि आपको क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट आएगी। ठीक है, और उसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया था, अभी आई थिंक मार्च अप्रैल मंथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई आए थे। ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला था कि आई थिंक जहाँ तक मेरे को अभी याद है 40 के अराउंड 45 के अराउंड जो है MTSC पोस्ट है हमने GAD को भेजी, GAD आके फॉरवर्ड करता है JKSB को। ठीक है, तो 45 के राउंड पोस्टें थी, जम्मू डिवीज़न में थी शायद, अभी मेरे को याद नहीं है, मैं एक वीडियो शेयर कर दूँ, आप वहाँ वो वीडियो देख लेना। ठीक है, बाकी अभी और भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मिलेगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी ये पोस्टें आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट आएंगी ज़रूर। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई जो भी कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। मेरा जो काम है इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन देना, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना, वो मैं देता रहूँगा। अभी शायद इस वीक या नेक्स्ट वीक तक मोस्ट ऑफली जेकेएसबी की तरफ से रिप्लाई भी आएगा, फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।